नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज यूक्रेन की नेवी ने रूस के एक युद्धपोत को तबाह कर दिया है। 20 सेकंड के अंदर यूक्रेन ने दो दो हापून मिसाइल दागी और काला सागर में रूस का युद्धपोत काले धुएं में समा गया। यूक्रेन ने ये मिसाइल अटैक ब्लैक सी के उस आइलैंड के जरिए किया है जिसे पुतिन ने अपना पावर सेंटर बना रखा है। जिस टापू पर पहले यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन वो टापू अब जेलेंस्की के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। इस जंग में पुतिन का कोबरा कैसे सुपर एक्टिव हो गया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मिसाइल अटैक का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। यूक्रेन की नौसेना ने सिर्फ 20 सेकंड में रूस के नौसेना के एक पोत को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन की नेवी ने सिर्फ 20 सेकंड में एक के बाद एक दो मिसाइलों से निशाना साधा और उनका टारगेट ऐसे जलकर समंदर में समा गया। आमने सामने की जंग में मरने मारने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन यूक्रेन की नौसेना अपने इस हमले को बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। यूक्रेन की नेवी ने यह हमला कहां किया है? इस हमले में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? यूक्रेन के इस नेवल अटैक का मकसद क्या है? इसे जानने के बाद आपको भी इस मिसाइल अटैक की अहमियत समझने में मदद मिलेगी। यूक्रेन की नौसेना का दावा है कि उसने काला सागर के स्नेक आइलैंड के काफी करीब मौजूद रूस के वसीली बेक नौका को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। ब्लैक सी फ्लीट की इस नौका का इस्तेमाल रूस की नौसेना अपने गोला बारूद हथियार और सैन्य कर्मियों को स्नेक आइलैंड पर पहुंचाने के लिए कर रहा था। इनकी सेना का तो दावा यहां तक है कि जिस वक्त वसीली बेक नौका पर मिसाइल से हमला किया गया, उस वक्त उस पर रूस का टॉर मिसाइल सिस्टम लोड था जिसे वो स्नेक आइलैंड पर पहुंचाने वाली थी। रूस की सेना इस नौका को अपनी मंजिल पर पहुंचाती उससे पहले ही ये नौका यूक्रेन की सेना की मिसाइल के निशाने पर आ गई। दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूस की नौसेना ने इस टापू पर अपना कब्जा जमा लिया। स्नेक आइलैंड पर अधिकार की वो लड़ाई उस वक्त भी इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई थी। स्नेक आइलैंड यूक्रेन की सेना के लिए आंख नाक है। काला सागर से सटे अपने दक्षिणी इलाकों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा जरूरी है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना कई मर्तबा कोशिश कर चुकी है। स्नेक आइलैंड पर कब्जा जमाए बैठी रूस की सेना को तबाह करने के लिए यूक्रेन के दो सुखोई 27 लड़ाकू विमान टापू पर पहुंचते हैं, टापू पर बम गिराते हैं, लेकिन रूस की सेना झपट्टा मारते हुए यूक्रेन के दोनों फाइटर जेट पर निशाना साधती है, जिससे चकमा देकर यूक्रेन के विमान फौरन आसमान से गायब हो जाते हैं। उसके ठीक बाद यूक्रेन का ड्रोन हमला होता है जिसमें रूस के एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है।
अपने उस ड्रोन अटैक में यूक्रेन ने रूस के MI-8 हेलीकॉप्टर को ठीक उसी वक्त तबाह किया जब रूस के सैनिक टापू पर उतर रहे थे। June 10, 2022 यूक्रेन की सेना TB2 ड्रोन से अटैक कर रूस के सेरना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट को तबाह कर दिया है। यह लैंडिंग क्राफ्ट भी स्नेक आइलैंड के किनारे समंदर में गश्त लगा रहा था। June 17, 2022 ठीक 7 दिन बाद एक बार फिर यूक्रेन की नेवी ने पूरी ताकत के साथ स्नेक आइलैंड को रूस की सेना से मुक्त कराने के लिए मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में उसने एंटी शिप हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन को हार्पून मिसाइल डेनमार्क ने दिया है। हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल है। इस मिसाइल ने कई जंगों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और अब यूक्रेन की नौसेना की शक्ति बनी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले को यूक्रेन ने ओदेसा से अंजाम दिया और स्नेक आइलैंड के पास मौजूद रूस के वसीली बेक नौका को तबाह कर दिया है। स्नेक आइलैंड यूक्रेन और रूस दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। इसके जरिए काला सागर तक पहुंचा जा सकता है। स्नेक आइलैंड पर कब्जा जमा कर रूस एक साथ कितने निशाने साध रहा है हम ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस टापू का भूगोल समझ लीजिए। स्नेक आइलैंड 18 हेक्टेयर में फैला है। ये आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में है। यूक्रेन के मुख्य भूमि से स्नेक आइलैंड की दूरी 48 किलोमीटर है। वहीं रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से स्नेक आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है। ऐसी आशंका है कि स्नेक आइलैंड को रूस अपनी नौसेना के लिए अहम ठिकाना बना सकता है, क्योंकि इस टापू पर नियंत्रण करने वाला यूक्रेन के दक्षिण हिस्से पर हर पल नजर रख सकता है। वो जब चाहे तो जहाजों की आवाजाही रोक सकता है, साथ ही साथ यूक्रेन के अहम बंदरगाहों को बर्बाद कर सकता है। यही वजह है कि स्नेक आइलैंड पर रूस ने अपने कई शक्तिशाली हथियारों को जमा रखा है। स्नेक आइलैंड पर रूस ने अपना SAM सिस्टम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल लगा रखा है। टोर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। पंसीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है ताकि काला सागर से सटे दक्षिण यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा जमाया जा सके। जंग चौथे महीने में पहुंचने वाली है। रूस ने यूक्रेन पर फरवरी में हमला किया। मार्च में युद्ध तेज हुआ। अप्रैल से होते हुए जून में भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन अपने स्ट्रांग होल्ड यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर यानी डोनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। रूस ने इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काला सागर और काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड पर कब्जा जरूरी था, जिसे रूस ने युद्ध के शुरुआत में ही अपने निशाने पर ले लिया। युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर मॉस्को युद्धपोत वहां पहुंच गया था, जो रूस की स्नेक आइलैंड वाली जीत की वजह बना। यही वजह है कि आगे चलकर यूक्रेन ने रूस को मॉस्को को बर्बाद कर दिया। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद रंग का ताकतवर युद्धपोत था। जवाब में बेस पर मौजूद यूक्रेन का सैनिक बोलता है, यूक्रेन की सरकार ने सैनिकों की बहादुरी को देखते हुए हीरो ऑफ
यूक्रेन के सम्मान से नवाजा और उसी वक्त से यूक्रेन की सेना स्नेक आइलैंड पर फिर से कब्जा जमाने में लगी हुई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग का कहना है कि रूस बार बार स्नेक आइलैंड पर अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर रूस स्नेक द्वीप पर अपनी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को लगा देता है तो वो काला सागर के उत्तर पश्चिम भाग और दक्षिणी यूक्रेन के जल थल और नभ पर नियंत्रण कर लेंगे। स्नेक आइलैंड रोमानिया के तट से 45 किलोमीटर दूर है जो नेटो का हिस्सा है। ऐसे में इस टापू पर S-400 एयर मिसाइल सिस्टम लगाना गेम चेंजर साबित होगा। अगर रूस एयर मिसाइल सिस्टम लगाने में कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ ओडेसा खतरे में आ जाएगा बल्कि नेटो का दक्षिणी हिस्सा भी खतरे में पड़ जाएगा। फिलहाल रूस के स्नेक आइलैंड पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के ओडेसा पर अधिकार जमाने की कोशिश है, क्योंकि ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है तो अगर उसके जहाज मारियोपोल से गुजरे तो उन्हें उन छोटी जलसंधियों से गुजरना होगा जिससे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। इसलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काला सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा। रूस की सेना के इसी प्लान को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन बार बार स्नेक आइलैंड पर हमले कर रहा है, उसे वापस लेने के लिए जंग लड़ रहा है। यूक्रेन के मैदाने जंग से करीब 3000 किलोमीटर दूर एक और बड़ी और खतरनाक जंग का प्लॉट तैयार हो रहा है। सीरिया के रेगिस्तान में ये जंग एक ऐसी शक्ल